वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टेस्टी और हेल्दी पोट चाट बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर ले लिया है, यानी कि खीरा ककड़ी ले ली है। इसके बाद में हमें इसको कट कर लेना है। हमें इसे पूरा जो है आधा आधा कट नहीं करना है, ऊपर से बस इसकी थोड़ी सी लेयर कट कर लेनी है। फिर हम इसको अच्छे से जो है खाली कर लेते हैं। चम्मच या फिर चाकू की मदद से आप इसको खाली कर लें, लेकिन जो है हम इसको फेंकेंगे नहीं, हमें इसे यूज़ में लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं ऐसे रखने से ये जो है टिक नहीं रहा है, गिर रहा है, तो हमें इसके पीछे से थोड़ा सा इसको कट कर लेना है। तो ये अच्छे से जो है वो देखिए अब रह रहा है। इसके बाद में ये जो हमने इसकी पतली वाली ऊपर लेयर की थी, इसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी तैयार करते हैं हेल्दी सी स्टफिंग। इसके लिए जो हमने क्यूकम्बर जो कट किया था वो हम इसमें ले लेते हैं। उसी के साथ में उबले हुए चने जिनको मैंने उबाल लिया था, इसी के साथ में उबले हुए आलू, थोड़े से प्याज, उसी के साथ में थोड़ा सा टमाटर। उसके बाद में हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी काला नमक, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, आधी जो है वो चम्मच लाल मिर्च, चाट मसाला थोड़ा सा ले लेंगे, उसी के साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया, सब आप एक चुटकी ले सकते हैं। इसके बाद में टेस्टी ग्रीन चटनी है धनिया और पुदीने की, ये मैंने ले लिया है। इसको बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद में इमली की जो चटनी है वो मैंने रेडीमेड ले ली है, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसके बाद में हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो स्टफिंग है ये आप ऐसे भी खाएंगे आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। इसके बाद में हरा धनिया जो मेरा फेवरेट है, इससे जो खाने में स्वाद बढ़ता है ना। इसके बाद में नायलॉन की सेब। तो चलिए हम अपनी हेल्दी सी बोट जो है वो तैयार करते हैं। तो हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो हमें इसके अंदर फिल कर लेनी है। इसके ऊपर हम इसको जो है और जो है नायलॉन की सेब से क्या करेंगे, इसको गार्निश कर लेंगे। इसके बाद में मैंने ये ले लिया है फ्लैग। इसके अंदर जो कैंडी आती है वो मार्केट में मिलती है, मैंने कैंडी तो हटा ली। इसके बाद में ये फ्लैग थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको कट कर लिया। आप इसको घर में भी जो है ऐसी लंबी स्टिक को आइसक्रीम की तो उससे बना सकते हैं, और फ्लैग की तरह जगह आप जो है गाजर हो टमाटर हो उससे फ्लैग का शेप दे सकते हैं। इसके बाद जो खीरा ककड़ी की हमने लंबी लंबी स्लाइसेस कट की थी उससे हम इसको एक डिज़ाइन दे देते हैं। इसके बाद में हम इसको जो है इसके अंदर डाल देंगे। अब हमारा क्या क्या फ़ायदा हुआ, ये दिखने में भी चाट अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, और उसी के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगी, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।